नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल का नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज सबसे पहले बात सीरिया में हुए सीरियल बॉम्ब धमाकों की। अमेरिका ने सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमला कर तेहरान तक लाउड एंड क्लियर मैसेज भेज दिया है। दरअसल ईरान सदमे में है कि उसकी खाद पानी से पलने वाला चाहे हमास हो या फिर हिजबुल्ला या फिर हूथी, अमेरिका इजराइल का गठजोड़ इन सभी का काम तमाम कर रहा है। गाजा के बाद अब दमिश्क की बारी। बेरूत भी हो जाएगा नक्शे से साफ। तेहरान में होगा परमाणु धमाका। अमेरिका इजराइल की स्क्रिप्ट तैयार। राष्ट्रपति के ऑर्डर का इंतजार। एक, दो, तीन, चार, छह उंगलियों पर नहीं गिने जाएंगे आप। अमेरिका ने सीरिया पर बमबारी की है। अमेरिका के दो फाइटर जेट यानी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में मौजूद ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर गोले गिराए हैं। धमाके की आवाज तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के कानों में गूंज रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सीरिया में जहां बम गिराए हैं वो ईरान से जुड़ा हथियार भंडारण केंद्र है। सीरिया सन्नाटे में है, ईरान को कुछ सूझ नहीं रहा है। पहले नेतन्याहू ने गाजा पर हमले रोकने की ईरान की धमकी की चिंदी उड़ाई। अब सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका ईरान की धमकियों का कचूमर निकाल रहा है। सीरिया में हुए हमले की डिटेल जानने से पहले आपको अमेरिका ने सीरिया पर हमला क्यों किया इसकी डिटेल देखनी चाहिए, जिससे आपको सीरिया, इजराइल, लेबनान और हमास के बीच ही नहीं ईरान का इजराइल से असली रिश्ता क्या है पता चलेगा। अमेरिका की सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के जिस भंडारण केंद्र को निशाना बनाया है उसका इस्तेमाल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC और इससे संबंधित समूह करते हैं। सीरिया और लेबनान में ईरान ने अपने समर्थकों के लिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती की है। ये गार्ड सीरिया और लेबनान में क्यों जरूरी है ईरान के पास इसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन इसराइल और अमेरिका के पास इसका माकूल जवाब है और वो है हमला। अमेरिका ने सीरिया में दूसरी बार बम बरसाए हैं। अमेरिका का दोटूक लहजे में कहना है कि सीरिया में ईरान के लड़ाके अमेरिकी कर्मियों को टारगेट कर रहे हैं। सीरिया और लेबनान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थित लड़ाके लगातार हमला कर रहे हैं। अमेरिका का स्टैंड बेहद क्लियर है कि वो इसराइल युद्ध को दूसरे इलाकों में फैलने से रोकना चाहता है, लेकिन ईरान समर्थित लड़ाके भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। 17 अक्टूबर से अब तक अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान समर्थक लड़ाकों ने करीब 40 बार हमले किए हैं। जवाब में अमेरिका ने 27 अक्टूबर की सुबह सीरिया में ईरान समर्थित आतंकी समूहों पर आत्मरक्षात्मक सैन्य कार्रवाई की। अमेरिका ईरान को सबक सिखाने की उम्मीद में लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहावर उतार रहा है। भूमध्य सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड फोर्ड उतार चुका है।
अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान इजराइल की पहरेदारी कर रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि ईरान किसी भी वक्त इजराइल युद्ध में कूद सकता है। ईरान ये आजमाना भी चाहता है, कम से कम उसके एक्शन यही साबित कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह है कि ईरान इराक और सीरिया में मिलिशिया का इस्तेमाल कर रहा है, यमन में हूथी विद्रोही और लेबनन में हिजबुल्ला के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ताकत बढ़ा रहा है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी ईरानी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि इराक और सीरिया में ईरानी समर्थित समूह अमेरिकी सेना पर अपने हमले बढ़ा रहे हैं। ईरान की सिंगल फ्रंट तलाश, ईरान सिंगल फ्रंट की तलाश कर रहा है। यही कारण है कि एक साथ अमेरिकी इजरायली सेना को निशाना बना रहा है। ईरान की भड़काने वाली कार्रवाइयों का अंजाम इस वक्त सीरिया भुगत रहा है। सिंगल फ्रंट की थ्योरी है कि इजरायल और अमेरिका के साथ एक निश्चित सीमा पर युद्ध। ईरान शायद यह फ्रंट सीरिया और लेबनन को बनाना चाहता है क्योंकि यहाँ अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान किस लेवल पर तैयारी कर चुका है इसका उदाहरण आपको भी देखना चाहिए। सीरिया में नहीं, ईरान लेबनन के हिजबुल्ला को वो हथियार देता है कि वो इजराइल पर हमले कर सके। 2006 के युद्ध के बाद पहली बार है जब लेबनन से लॉन्च किए गए रॉकेट इजरायली क्षेत्र में सबसे ज्यादा अंदर तक पहुंच गए। हिजबुल्ला ने कहा कि गाजा पर आक्रमण में शामिल अमेरिका और इजराइल पर हमले जारी रहेंगे। ये इजराइल को खुली धमकी है। इजराइल को जमीन पर घेरने के लिए सीरिया से लेबनन तक ईरान समर्थित ग्रुप एक हो रहे हैं। लेबनन के हिजबुल्ला हमास को समर्थन दे रहे हैं, उनके बचाव के लिए इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनन पर इजराइल कहर बनकर टूटा है। दोनों मोर्चों पर, उत्तर में हमास के खिलाफ और दक्षिण में हिजबुल्ला के खिलाफ, इजराइल भीषण युद्ध लड़ रहा है। भयंकर तबाही की तस्वीरें देखकर कोई भी आम आदमी कांप जाए। कोई मिनट ऐसा नहीं गुजरता जब लेबनन के आसमान पर इजराइल के रॉकेट या मिसाइल का शोर नहीं गूंजता। पहले गाजा की जलती गलियां और अब लेबनन पर प्राण लील लेने वाली मिसाइलें। इसकी डिटेल आगे। अभी सीरिया की ईरान समर्थन वाली खूनी कहानी जिसमें लेबनन के हिजबुल्ला बिना निमंत्रण शामिल है। असल में मिडिल ईस्ट के देशों जैसे सीरिया इराक में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी का विरोध होता रहा है। इजराइल की जंग के बाद से ही अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, फिर चाहे हिजबुल्ला हो या फिर यमन के हूथी। ईरान के समर्थन की वजह से ये अमेरिका का सिर दर्द बने हुए हैं। जाहिर है अमेरिका इन संगठनों और इनके समर्थक ईरान की अगली उम्मीदों को सदा के लिए जमींदोज कर देना चाहता है। नतीजा है कि गाजा के साथ साथ अब सीरिया का जलना भी शुरू हो गया है। गाजा में मौजूद हमास का इजराइल पर अटैक हो या फिर यमन के हुथी विद्रोहियों का इजराइल पर मिसाइल से हमला या फिर तीसरे मोर्चे यानी लेबनान से हिजबुल्ला की तरफ से रॉकेट की बारिश हो इजराइल पर, इन तीनों के पीछे ईरान खड़ा है। और ईरान को पता है कि अगर इजराइल से लड़ना है तो अमेरिका से भी लड़ना होगा, इसीलिए वो बीच बीच में सीरिया और लेबनान के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर अमेरिका को उकसा रहा है। लेकिन अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है वो ईरान के होश उड़ाने वाला है। यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद पर इजराइल के किए गए हमले ने लेबनान, गाजा पट्टी और सीरिया से रॉकेट हमले तेज कर दिए हैं। लिहाजा इजराइल ने भी सीरिया की राजधानी दमिश्क और अलेप्पो के हवाई अड्डों सहित ईरान से जुड़े स्थानों और बुनियादी ढांचों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। ये बात बहुत क्लियर है कि इजराइल को हमास को हराने के लिए सिर्फ हमास को नहीं बल्कि ईरान, उसके समर्थक यमन के हूथी विद्रोही, सीरिया, लेबनन के हिजबुल्ला को एक साथ हराना होगा। इतना बड़ा काम इजराइल अकेले के लेवल पर नहीं कर सकता क्योंकि इन सभी के साथ रूस और चीन जैसी शक्तियां खड़ी हैं। ऐसे में अमेरिका की स्वाभाविक एंट्री होती है और इन देशों या संगठनों के खिलाफ उठाया गया कोई भी अमेरिकी कदम सीधे इजराइल को फायदा पहुंचाने वाला होता है। वैसे सीरिया और इजराइल की खूनी कहानी संक्षेप में समझ लीजिए। संघर्ष का मूल कारण है 1967 का 6 दिवसीय युद्ध जिसमें इजराइल ने सीरिया को हरा दिया और गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। गोलन हाइट्स का उपजाऊ पठार इजराइल और सीरिया दोनों के लिए अहम है क्योंकि ये एक कमांडिंग सैंड पोजीशन भी है। 1973 में सीरियाई सेना ने योम किप्पुर युद्ध के दौरान इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा करने का असफल प्रयास किया। अगले साल 1974 में एक युद्ध विराम समझौता हुआ। तब से गोलन हाइट्स का ज्यादातर हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में है।
सीरिया में ईरान समर्थकों को खाद पानी रूस से मिलता है। लेबनन के हिजबुल्ला को रूस पंसीर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। हिजबुल्ला इस सिस्टम को हमास को दे सकता है। उस दशा में सोचिए इसराइल का क्या होगा। जाहिर ऐसे हालात पैदा हों इसकी कोई भी आशंका अमेरिका अपने घातक प्रहार से नष्ट कर देना चाहता है।